हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। हमारे चैनल देखते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आज वही बताऊंगा छोटा छोटा मंत्रों जिंदगी में बड़ा बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटा छोटा मंत्रों आपके जिंदगी में, आपका परिवार के जिंदगी में बड़ा बड़ा खुशी ला सकते हैं। आज वैसे ही एक मंत्रों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। किसी का शादी की खबर आपने सुने हो या आपका परिवार का किसी का शादी आप लोग तय कर रहे हो या आपका खुद का ही शादी का बात आप कर रहे हो या आपका शादी तय हो रहा है, आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती, किसी का भी शादी का बात हो रहा है या बात आपने सुने हो कि किसी का शादी होगा, किसी का शादी तय हुआ, तो आपको जो मंत्रों का जाप करना चाहिए जिसमें जिंदगी खुशहाल होगा, जिसमें जिंदगी में सुधार आएगा, वो है, वो मंत्रों लिख लीजिए। और कोई भी शादी वाला बात ऐसे होता है ना कि शादी बनते बनते, मतलब बात बनते बनते बात उलझ जाता है, ऐसे होता है, या शादी तय भी हो चुका था बाद में टूट जाता है, ऐसे भी होता है। और जिसके साथ ही हादसा होता है और जिस परिवार के साथ ही हादसा होता है, इसका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। किसी और के लिए तो बोलना आसान है लेकिन इसे समझना काफी मुश्किल है। जिसका शादी बनके भी टूट जाता है, शादी तय होके भी टूट जाता है, वो और उसका परिवार इसका दर्द समझ सकता है। या कभी कभी स्थिति ऐसे भी आता है कि शादी का बात बन चुका था, शादी तय हो चुका था, लेकिन हालात ऐसे आया कि शादी को मजबूरन कैंसिल करना पड़ा, उसे तोड़ना पड़ा, वो शादी हो ना सका। ऐसे जिंदगी में दिक्कत ना आए, शादी वाला कोई भी काम काज में या शादी का बात आप कभी सुने हो कि किसी का शादी हो रहा है, आप किसी का शादी तय कर रहे हो या आपके सामने किसी का शादी तय हो रहा है, तो आपको जो मंत्रों का जाप करना चाहिए तीन बार, वो है ओम प्रजापताये नमः, ओम प्रजापताये नमः, ओम प्रजापताये नमः। मैं इस सभी मंत्रों का विस्तार से आप लोगों के सामने व्याख्या जरूर करूंगा कि ये मंत्रों का व्याख्या सुनकर आपको अपने धर्म पर, अपने वेद पर, हिंदू धर्म में आपका और भी श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाएगा और आप एक हिंदू होकर अब गर्वबोध करोगे कि हाँ मैं एक हिंदू हूं। आप लोग हमारे चैनल देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। हरिओम नमो शिवाय, हरिओम नमो नारायण।